और इतिहास विद्या और इतिहास लेखन को नया आयाम देने वाले पूज्य गुरुवर्य प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी की उपस्थिति से आप राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्टोरियोग्राफी और प्रादेशिक इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं। 45 से अधिक पुस्तकें और 500 से अधिक लेख आपके अब तक प्रकाशित हैं। फ्रीडम मूवमेंट इन पंजाब, सोर्सेज ऑन नेशनल मूवमेंट, इंडिया डिस्टॉर्टेड, ए स्टडी ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में भारत का स्वाधीनता संघर्ष, 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित, 1857 का वनवासी नेतृत्व, इन सभी पुस्तकों के आप रचयिता हैं। मैं बिल्कुल समय न लेते हुए निवेदन करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर मित्तल जी से कि वे अपना मुख्य वक्ता का उद्बोधन दें। विषय तो आपके सामने आ चुका है, मैं उसके कुछ पहलू आपके सामने रखूंगा। निश्चय ही 1942 का क्रांति मैं आंदोलन नहीं कहूंगा उसे। 1942 की जो क्रांति थी वो एक ऐसी क्रांति थी जिसने विश्व को झकझोर दिया, विश्व के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में चाहे वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हो अमेरिका, चाहे सेनापति आइजन हो, चाहे इंग्लैंड का चर्चिल हो, चाहे क्रिप्स क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स हो, या चियांग काई-शेक हो चाइना का, या ऑस्ट्रेलिया का इवाट हो, सबको मजबूर किया कि भारत के बारे में सोचे, नहीं तो शायद से ये जो द्वितीय महायुद्ध है इसमें पराजय हो सकती है, भारत की सहायता चाहिए। मैं आप ये भी जानते हैं कि ये गांधी जी का आखिरी युद्ध था, हालांकि गांधी ने 1940 में भी कहा था जो व्यक्तिगत सत्ता का मेरा आखिरी है, लेकिन अब फिर कहा कि मेरा आखिरी आंदोलन है, और ये सही है कि उनका आखिरी आंदोलन था। उसके बाद उनका नेतृत्व कांग्रेस से हट गया था, इसलिए ये उनके लिए आखिरी ही आंदोलन था। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि 42 पर इतना लिटरेचर है कि लगता है कि कम से कम 5-6 महीने पढ़ने के लिए चाहिए। EIC की रिपोर्ट भरी पड़ी है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, मेंसर और लुम्बी किताब है, ट्रांसफर ऑफ पावर 42 से 47 तक में डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है, प्राइवेट पेपर्स है। इसी तरह आप यदि इंग्लैंड की पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें, बहुत ही डिटेल में है। उस काल के जो इंग्लैंड में अखबार छपते थे, लंदन टाइम्स है या गार्जियन है, यदि टेलीग्राफ है, यदि डेली मेल है, डेली एक्सप्रेस है, डेली हेरल्ड है, उन सब में बहुत डिटेल्स में 42 के आंदोलन की चर्चा है। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 5-6 बड़े MP बोले इस सारे आंदोलन के बारे में, ऐसा हमको लगता है। और फिर कहीं जयप्रकाश नारायण ने टुवर्ड्स स्ट्रगल लिखा, उसमें अपनी बातें, मन की बातें दी उसमें, कहीं आजाद ने इंडिया विथ फ्रीडम में अपने दुख दर्द लिखे, कहीं नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नई नई डिस्कवरी कर दी जो पहले कभी थी नहीं, या जो पट्टा भी सीतारमैया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, 2 वॉल्यूम है उन्होंने लिखी। मेरे कहने का अर्थ है कि इतना मेटीरियल है और सबको कॉलोबरेट करके, सब में से अगर क्रॉस एग्जामिन करके सत्य के पास पहुंचाना चाहे पहुंच सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि सब गलत है, ये भी कहना ठीक होगा सब ठीक है, उस तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा परिश्रम चाहिए। गांधी जी के जो आंदोलन थे उनका एक स्वरूप में एक दोहराई बताकर और बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ूंगा। गांधी ने 3 बड़े आंदोलन किए थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट और 42 का मूवमेंट। उनके आंदोलन का एक तरीका था, पहले कुछ इश्यूज रेज करते थे, फिर कहते थे मैं वायसराय से मिलने जा रहा हूँ, कभी वायसराय मिलते थे कभी मना कर देते थे, एजिटेशन होता था, प्रदर्शन होता था, जेलें भरती थी, और फिर भरते भरते जब बहुत तेजी पर होता तो एजिटेशन रोक दिया जाता था, चाहे कोई दुर्घटना हो या कोई और घटना हो। और
और उसके बाद एजिटेशन में फेल हो जाता था, निराशा आती थी और 7-8 साल तक निराशा चलती थी। एक संत था गांधी जी का, 20-21 का देख लीजिए, 22 का, 33-34 तक का देख लीजिए, 42-44 तक का देख लीजिए, यानी आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी। और मैं ये कहूंगा, ये करो मरो की जो बात आई, मैं कहूंगा गांधी जी ने बड़े योजना से तीनों के नाम रखे थे। पहला था नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंट, दोनों खुश हो जाए, नॉन कोऑपरेशन जो विरोधी है और कांग्रेस ने नॉन वायलेंट जो अहिंसावादी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल जो कांग्रेस है और उदारवादी है, और डिसोबीडिएंट ये जो विरोधी है। करो या मरो में भी यही है, करो या मारो नहीं है, मरना है, यानी अहिंसावादी आंदोलन चलना है। ये एक तरह की स्पिरिट थी उनके थिंकिंग की, उनके माइंडल अगर स्टडी करें तो ये चीज दिखाई देती है। मैं केवल आपके सामने दो बिंदु पर ध्यान रखना चाहूंगा क्योंकि विषय बहुत लंबा है। मैं 42 का आंदोलन का स्वरूप क्या था, क्या उसके डिफरेंट फेज थे, क्यों असफल रहा, इस विषय को नहीं ले रहा हूं। केवल दो बातें, क्या परिस्थितियां थी और क्या प्रभाव था, इन दो बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी डॉक्टर आदमी जी ने कहा था कि अगर हमने समझना है तो 1938 से चलना पड़ेगा। मैं कहूंगा और 2-4 साल पर लगा दीजिए, 34 से चलिए। मैं आपको 34 से एक यात्रा कराना चाहता हूं, केवल पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखूंगा, डिटेल तो संभव नहीं है इस काल का। आप जानते 1934 में सिविल डिसोबीडिएंट फेल हो गया था, घोर निराशा आ गई थी, यानी उस समय सुभाष ने कहा कि गांधी जी असफल हो गए, कांग्रेस की नीतियां बदलनी चाहिए। उस समय जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए। ये 1934 की बात में था। आप जानते 1935 का एक्ट बना, 451 धारा है उसके अंदर, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन है, 2/3 वहीं से लिया गया है। इस सारे संविधान को आप देखेंगे, उसमें 3-4 बहुत खास बातें रखना चाहता हूं कि चुनाव जो है वो सांप्रदायिक आधार पर होंगे, ये उसमें कहा गया। उसमें ये कहा गया कि प्रोविंशियल ऑटोनोमी दी जाएगी, उसमें ये भी कहा गया कि इंटरनेट फेडरल स्ट्रक्चर बने। ये इस तरह की बातें थी जो अनेक लोगों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती थी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। नेहरू जी ने कहा कि दासता का घोषणा पत्र है, गांधी जी ने कहा कि मैं तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन 37 में चुनाव हुए, 11 प्रांत थे उस समय, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस जीती। ये बहुत बड़ी जीत थी और शायद पहली और आखिरी जीत थी जब कांग्रेस को इतना बहुमत मिला था। इन्हीं दिनों पंडित नेहरू भी पहली बार गांव गए थे और जो उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो गांव का दृश्य उन्होंने देखे थे, इस पर लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की कैसे लिखी उन्होंने, लेकिन इस विषय को यहां पर नहीं लूंगा। केवल इतना कहना चाहूंगा कि 37 में चुनाव में कांग्रेस जीती। अगर आप गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स देखें, वॉल्यूम 57 और 58, उसमें डिटेल में ये जो 7 मंत्रिमंडल थे इनकी कार्रवाई दी है, और बहुत दुखी मन से कहा। पहले तो वे कहते थे कि भाव चुनाव में भाग नहीं लेना, लेकिन 37 में एक पत्र लिखा था के मुंशी को, उस के मुंशी को पत्र में लिखा कि मैंने अपना पुराना इरादा छोड़ दिया, अब चुनाव लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने की बात ना कहना एक बेवकूफी होगी, ये उस लेटर के अंदर दिया। यानी वो भी तैयार हो गए जो कि पहले तैयार नहीं थे। और उसके कारण जब चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद जो 2 साल है जब तक ये प्रांतीय सरकारें रही, उन 2 साल का चिट्ठा तो इतना दर्दनाक है, पीड़ाजनक है, निराशाजनक है कि गांधी जी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा। यानी गांधी जी बार बार लिखते हैं, संपूर्णानंद को लिखते हैं डायरेक्टर जो है, ये क्या हो रहा है, फिजूल खर्ची, अनावश्यक धन, भ्रष्टाचार, छोटे छोटे नेता कहते हैं या तो मुझे बनाओ नहीं तो मैं हिंसा पैदा कर दूंगा, मैं सांप्रदायिकता पैदा कर दूंगा, ये शब्द मेरे नहीं है, ये महात्मा गांधी के शब्द। वो कह रहे मुझे कल्पना नहीं थी, मैं तो ये सोचा था कि चुनाव में लड़ने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, रचनात्मक कार्यक्रम होंगे, हिंदू संगठन मजबूत होगा, कांग्रेस संगठन मजबूत होगा,
और साथ में निराशा दूर होगी। लेकिन उन्हें तो बहुत निराशा हुई। 1939 के अंदर कई बैठकों के अंदर इस बात को उन्हें चर्चा की, कार्य समिति के बीच बैठक की, और एक तरह से बहुत कुपित हुए, नाराज हुए कि यह सब क्या है। जिस समय 1939 के अंदर 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा हो गई थी, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे, वो 1936 में आए थे, 42 तक रहे थे। उन्होंने एक तरह से साफ कहा था कि भारत इस युद्ध में भाग लेगा, बगैर पूछे भारतीयों से यह घोषणा उन्होंने कर दी थी। हालांकि उस समय लॉर्ड एटली ने कहा कि ये बड़ी चतुरता से घोषणा नहीं की गई, ये बड़ा गलत काम किया लॉर्ड लिनलिथगो ने, ऐसा लॉर्ड एटली ने उस समय कहा था, लेकिन वो कह दिया गया। भारत जनमानस बटा हुआ था, प्रायः ये नारा चलता था, ना कोई भाई ना कोई पाई, कोई भाई लड़ाई में नहीं जाएगा, ना पाई ने एक भी पैसा हम लड़ाई के लिए नहीं देंगे, ये एक तरह की घोषणा उन दिनों होती। तो एक विवाद कांग्रेस के अंदर पर यही हुआ, युद्ध में भाग लेना नहीं। गांधी जी कहते थे नहीं, उन्हें मदद करनी चाहिए अंग्रेज सरकार की, इसमें कोई झंझट नहीं पैदा करना चाहिए। नेहरू जी कहते थे नहीं, अभी पूछना चाहिए कि ये लड़ाई में हमारा क्या रोल होगा, या क्या हमें देंगे, या उनका उद्देश्य क्या है युद्ध का। पत्र लिखे गए, नेहरू जी की जीत हुई इसमें, और नेहरू जी की बात को माना गया कि पता किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं। असंतोष जब नेपाल सरकार की ओर से आया तो लगा कि कुछ किया जाए, गांधी जी को लगा कि लोग बड़े निराश हुए, कुछ किया जाए। तो गांधी ने एक सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके भाग के विधाता गांधी जी थे, जिसको कहेंगे वो जेल जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। तो पहले विनोबा भावे गए, दूसरे नेहरू जी गए, ऐसे कोई 600-700 लोग उस बात को जेल में गए थे। 15 महीने चला था व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक तरह से जनता का ध्यान बटोरने के लिए ये मैं कहता था ये हुआ था। ये आंदोलन गांधी जी का ऐसा आंदोलन था जो पूर्णतः सफल हुआ, जो सबसे कमजोर उनका आंदोलन था। यानी मैंने उस काल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड पढ़े, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो है, उसमें कहते हैं कि तो शुरू में लड़खड़ा रहा है, कहीं पर मर गया और कहीं मरने के लिए तैयार है। ऐसी सीआईटी की रिपोर्ट उस समय की, 1940 के डॉक्यूमेंट्स की देख सकते हैं आप जो है। इसका अर्थ यह है कि मूवमेंट केवल मेरे विचार से एक रसम अदायगी थी, एक रसम अदायगी सत्याग्रह था, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था, निरुद्देश्य था, और कोई सफलता नहीं मिली थी। इससे उल्टा प्रभाव हुआ, लिनलिथगो को लगा के कांग्रेस में कोई दम नहीं, उन्होंने कठोरता करनी शुरू कर दी। जैसे मूवमेंट खत्म हुआ वो कठोरता के साथ आने शुरू हुई, दमन चक्र चला दिया। लेकिन इन्हीं दिनों अंतरराष्ट्रीय स्थितियां बदल रही थी। दिसंबर 1941 के अंदर और जापान जो था इधर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। इसी समय विश्व के नेताओं ने कहना शुरू किया कि कुछ करो। चियांग काई-शेक ने पत्र लिखा चर्चिल को, कुछ करना चाहिए। इसी रुजवेल्ट लिखता है कुछ होना चाहिए, भारत कुछ आजादी दी जानी चाहिए। एटलांटिक एक चार्टर हुआ था पहले, उसके अनुसार भारत को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, भारत के लोग जो बोलना चाहे बोलने का अधिकार दिया जाने, ये उन लोगों ने रिक्वेस्ट की। चियांग काई-शेक खुद भारत आए और आकर के उन्होंने गांधी से भेंट की, नेहरू से भेंट की, पटेल से भेंट की, देश के और नेताओं से भेंट की, एक वातावरण बना। और चर्चिल को भी लगा, जो चर्चिल चाहता नहीं था कभी भारत के प्रति लिबरल नहीं था, लेकिन उस चर्चिल को लगा कि कुछ करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर इतने आ गए थे। चर्चिल नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी वॉर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव में यह पास किया कि एक व्यक्ति को भेजा जाए हिंदुस्तान जो जाकर के सारी स्थिति को देखकर कुछ सुझाव दे। मैंने वो पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी है, और 5 महान वक्ता थे जो एमपी थे उस पर बोले थे, उस काल के सभी पेपर्स में इसका स्वागत किया था कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति भेजा जाए। क्रिप्स को भेजा गया, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, वो एक तरह के लीडर ऑफ द हाउस थे उस समय, लीडर ऑफ द हाउस थे, वार्ड कैबिनेट के मेंबर थे, उनको भेजा, सबसे मोस्ट पावरफुल व्यक्ति भेजा गया। ये भी सोचा गया कि क्रिप्स की कोई दोस्ती है नेहरू के साथ, तो शायद जल्दी बात हो जाएगी, ऐसा उनको लगता था।
सिर्फ आए 13 मई 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान आए और 20 दिन यहाँ पर रहे। उन्होंने हवा देखी देश की और लगा के लोग तो बड़े और ऐसे मूड में नहीं है, सहयोग कर लेंगे। उसने एक हफ्ते के अंदर ड्राफ्ट कर दिया और ड्राफ्ट में कहा ये चीज होगी, लेकिन ड्राफ्ट में क्या नहीं था, चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर होगी। युद्ध के बाद भारत के संविधान के बारे में सोचा जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन वार के दौर में कोई भी भारतीय आलोचना नहीं करेगा ब्रिटिश सरकार की। ये सब बातें किसी को पसंद नहीं थी और नतीजा ये हुआ कि नेहरू जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा तो बहुत डेटेड चेक है, ये तो बात पुरानी हो गई। हमारे किसी मित्र ने लिख दिया उसमें ये उस बैंक का जो लूट गया है, ये जोड़ दिया अपनी तरफ से कि बैंक वो जो लूट गया है उस बैंक का चेक है। क्रिप्स को वापस जाना पड़ा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जब क्रिप्स वापस गया तो चर्चिल नाचने लगा, अपने टेबल के चारों तरफ वो नाचने लगा। अब चर्चिल ने तो भेजा था उसे, चर्चिल ने तो जबरदस्ती भेजा था, चर्चिल तो चाहता था क्रिप्स मिशन फेल होना चाहिए, उसमें उसकी सफलता थी और इसलिए वो खुश हुआ कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और एक और बात है, क्रिप्स मिशन के बहाने भारतीय लोगों के दिमाग को उलझाने की कोशिश की गई, सफल हुए। आपको ध्यान होगा कि 1901 में जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, तो भारत वस्तुतः युद्ध उन बातों में उलझ रहा था, अब भी उलझ रहा था कि शायद युद्ध के बाद कुछ मिलेगा, ऐसा सोच रहा था। तो लोग उलझते गए और क्रिप्स मिशन इस दृष्टि से सफल हुआ। अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो क्रिप्स मिशन सफल हुआ और उसको ये बात मिली। अब ये लगा कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, गांधी जी को लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ बड़ा सत्याग्रह करना पड़ेगा। और वो सत्याग्रह की बात आई तो क्या स्वरूप होना चाहिए। उस समय अमेरिका के पत्रकार थे लुई फिशर, वो आए और एक हफ्ता तक गांधी के साथ रहे, एक किताब लिखी उन्होंने ए वीक विद गांधी। उसमें पूछा उन्होंने गांधी से, गांधी जी आपके मन में कैसे विचार आ गया कुछ कोई मूवमेंट होना चाहिए। कहने लगे मैं बैठा हुआ था जिससे मैं क्रिप्स वापस गया, अगले सोमवार को मेरे दिमाग में मौन दिवस था, मेरा जो बैठा हुआ था मुझे लगता कुछ करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में आके भारत छोड़ो आंदोलन की बात करनी चाहिए। ये दिया है कि गांधी के दिमाग में कैसे ये बात आई। और गांधी ने फिर 2-3 आर्टिकल लिखे हरिजन के अंदर, कहा कि अंग्रेज सम्मानपूर्वक चले जाए, अच्छा होगा अंग्रेज चले जाए, ऐसे उस उनकी लैंग्वेज है जो वो जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मामले में भी बहुत ही अधिक कांग्रेस का नेतृत्व तो बटा हुआ था। एक मीटिंग हुई इलाहाबाद के अंदर और उसकी कार्यकारिणी की बैठक थी, तो उस काल के जो यूपी के गवर्नर थे सर हेरियट, उसने वो सारी रिपोर्टिंग की है कि मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग के अंदर क्या कार्रवाई हुई। यानी लोग दो हिस्सों में बटे गए थे, नेहरू जी तैयार नहीं थे कि कोई मूवमेंट चलाया जाए, राज उपाचार्य बिल्कुल तैयार नहीं थे, ये तो इससे हल्ला गुल्ला होगा, ये तो बेवकूफी होगी, इससे तो हिंसा भड़केगी, ऐसा उन्होंने अपना लिखा राजगोपालाचार्य ने। इसी तरह से भोलाभाई देसाई कहते नहीं युद्ध नहीं चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत कहते थे मैं कुछ मानता नहीं चाहे जो प्रस्ताव पास करो, दोनों किसी के संभव साथ ही नहीं हो। सैयद अहमद जो बिहार के बड़े नेता थे कहते वहां तो उन्होंने शायद प्रस्ताव का निवेदन किया, लेकिन वो जेल से पत्र लिखे, मैंने पत्र पढ़े उनके, कहते कि गांधी जी को किसी ने कहा था कि बिहार इसका आंदोलन करो, और ये भी लिखा कि गांधी जी की बड़ी बेवकूफी थी, वो सैयद अहमद लिखते उनके पत्र कब थे आदमी जो। यानी एक तरह से एक बड़ा गुट था जो आंदोलन के खिलाफ था, लेकिन 3-4 लोग समर्थक में थे, गांधी जी खुद, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सुचेता कृपनानी जी, आचार्य कृपनानी, ये लोग फेवर में थे। कुछ काल बाद वर्धा के अंदर बैठक हुई 14 जुलाई को, और उसमें एक मत से पास हो गया कि आंदोलन होना चाहिए, आपस में टकराव होते रहे लेकिन ये पास हो गया। कुछ बीच में नेहरू जी और आजाद बिगड़ गए थे, उनको गांधी ने मना लिया था, ये भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उपलब्ध है।
तो उससे फिर एक तरह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि 42 नवंबर की क्या पोजीशन बनी, ये आप भली भांति परिचित हैं। यानी मोटे रूप से मैं कहूं कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, 8 अगस्त को 7 अगस्त को प्रस्ताव पास किया, नेहरू ने प्रस्ताव रखा, रखवाया गया उसे, नेहरू जी से प्रस्ताव रखवाया गया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं उनका हाथ ऐसे खड़ा कर दिया गया। प्रस्ताव हुआ, सरदार पटेल ने उसका सही किया, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और तय हो गया। आपको ताज्जुब होगा कि उस अधिवेशन को की कार्रवाई है जो अखबारों में चित्रों में दिखाई देती है, उसमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 250 मेंबर आए भाग लेने के लिए, जबकि कांग्रेस के मेंबर थे 400 से अधिक थे। उसमें 10,000 की भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ कांग्रेस की नहीं थी। देश में उतावलापन था, सोच रहे थे कुछ होना चाहिए। सभी धर्म के लोग उसके अंदर उपस्थित थे, कांग्रेस के नहीं थे। यानी उस भीड़ को देख करके गलत अंदाजा मत होना चाहिए कि ये कांग्रेस के मूवमेंट में सब लोग खड़े हो, सुनना जरूर चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रही थी, तो भारत का भविष्य क्या होगा इसको देख करके लोग परेशान थे। कुछ चाहते थे, कुछ होना चाहिए। और आप जानते थे वो आंदोलन शुरू हुआ। मैं उस आंदोलन की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और ना ही उसके परिणाम असफल क्यों हुआ इस बारे में जाना चाहता हूं। मैं केवल उसके प्रभाव और लेना चाहता हूं। तो वो प्रभाव क्या हुआ? मैं कहूंगा प्रभाव की दृष्टि से ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहली चीज, मैं कांग्रेस के डिफरेंट लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, उस समय जो कम्युनिस्ट थे, उनका नेगेटिव रोल था, ध्वंसात्मक रोल था, देशद्रोह पूर्ण रोल था, और वो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। एक समझौता हुआ था, और कम्युनिस्टों के नेता थे, महामंत्री थे पीसी जोशी, और उसमें जो होम मेंबर थे उनका नाम था मैक्सवेल, दोनों समझौता हुआ था और कहा कि तुम इसे अंदर से तोड़ो। यानी मैं कहूंगा कि जो काम ब्रिटिश सीआईडी का कर रहे थे वो कम्युनिस्ट कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि पहले कम्युनिस्ट कहते थे कि ये इंपीरियल वार है, लेकिन जिस दिन लड़ाई बदली और रूस को दूसरे पक्ष में आया तो कहा जड़ युद्ध है। तो रातों रात वहां इंपीरियल वार से जड़ युद्ध बन गया था, और उस जड़ युद्ध के अंदर एक तरह से वो बाकायदा ये काम करे, किसको पकड़वाना, कहां छिपावा, ये काम वो कर रहे थे। एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट इंडिया करके एक ऐसा चौधरी बड़ी डिटेल में ये सब चीजें थी। आर सी मजूमदार ने फ्रीडम मूवमेंट का जो तीसरा वर्ल्ड में उसको इन सब बातों को डिटेल में दिया कि वाटवादी रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इन दैट मूवमेंट। इसमें मुसलमानों का क्या रोल था? मुसलमानों ने कुछ अपवाद को छोड़कर के कॉपरेट नहीं किया। वो कहते थे पहले पाकिस्तान बाद में आजादी, हमें पहले पाकिस्तान की बात मानो तो हम आजादी की बात सुनाएंगे, ये उनका रोल था। इसमें हिंदू महासभा के बारे में वाई वी माथुर ने किताब लिखी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे 7-8 पीएचडी हुए हैं कुछ इस मूवमेंट के ऊपर। तो उसमें एक रेजोल्यूशन दिया कि हिंदू महासभा का रेजोल्यूशन क्या था। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक तरह से ये जो बंटवारे की नीति सरकार की हम शहर नहीं करेंगे। ये कहा था मुसलमानों को भी कि बंटवारे से हमारा तो नुकसान होगा ही, तुम्हारा भी नुकसान होगा, समूचे देश का नुकसान होगा। उस समय सावरकर ने कहा था ये क्विट इंडिया मूवमेंट है या स्प्लिट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया और स्प्लिट इंडिया, यानी एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन है, बंटवारा तो देश का, ये सावरकर ने एक बात कहा। इस मूवमेंट के बारे में जो उस समय उदारवादी थे सत्येश बहादुर के नेता थे, उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन के विरोध में। उस काल में जो क्रिश्चियंस थे जिनके नेता एंथोनी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं इस आंदोलन के विरोध में उनका साथ नहीं देंगे। ये दृष्टि थी उस काल में विभिन्न पार्टियों की। तो प्रभाव की दृष्टि से लगता है कौन क्या सोचता था। एक दूसरी बात, ये आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं जलियांवाला बाग को देखूं, और जलियांवाला बाग को जो देखता हूं, जलियांवाला बाग को मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना जो जलियांवाला बाग की हुई, जो वास्तव में थी, ये उससे कई गुना बड़ा था। जलियांवाला बाग में मशीन गन एक बार चली थी या 6 बार चली,
जलियांवाला बाग के अंदर 538 बार गोलियां चली थी 21 मिनट, जबकि वहां पर केवल 5 मिनट गोलियां चली थी। एक किताब है 6 मिनट टू सनसेट, उसमें दिया गोलियों के बारे में, केवल 5 मिनट गोलियां चली थी, यहां तो 538 बार गोलियां चली थी। यानी ये इस आंदोलन के अंदर 60,229 लोग और जेल में गए थे, इतने वहां पर लोग जेल में नहीं गए। यानी किस दृष्टि से देखें, इसके अंदर जो मरने वालों की संख्या थी वो 7,000 से लेकर 10,000 तक है। जलियांवाला बाग के अंदर मरने वालों की संख्या थी वो सरकारी थी 379 और अनऑफिशियल कांग्रेस की थी 1,000। तो 379 से 1,000 तो लोग मरे थे, यहां 10,000 लोग मरे थे। ये पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था। और ताज्जुब की बात यह कि अंग्रेज ने किताब लिखी रॉटेन हंग में, और उसमें लिखा उसने कांग्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ 1942-43। वो किताब मैंने पढ़ी, छोटी सी किताब कोई 50 पेज की। उसके अंदर उसने दिया कि बात कांग्रेस जिम्मेवार है, जिम्मेवार तो एक बार से ब्रिटिश सरकार थी। यानी ये हत्याकांड इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लॉर्ड रिथबो ने जो उस समय गवर्नर वायसराय था, उसने खुद कहा कि 1857 जैसा था, 1942 का आंदोलन 1857 जैसा था। और एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आंदोलन था जो विद्यार्थियों का आंदोलन था, ये नेताओं का आंदोलन नहीं था। इसमें विद्यार्थी सबसे बढ़कर आए थे, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, दक्षिण में अन्ना मुला यूनिवर्सिटी के थे, कॉलेज के थे, स्कूल के थे, वो उन लोगों का आंदोलन था। हालांकि मैं कई नाम जानता हूं कि जिन्होंने पहले दस्तखत किए और वो बाद में काट दिए थे, कि मैं इस आंदोलन में शामिल हूं, दस्तखत किए बाद में काट आए थे, बीसी का ऑफिस में जाकर उनका नाम आपके सामने नहीं रखूंगा। तो ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर इस तरह के वो चीजें हुई थी। ये आंदोलन तो किसानों का था। बलिया के अंदर हम पढ़ते हैं पंचायती राज करके एक पास इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट खड़ी हो गई थी। हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में महाराष्ट्र में गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया था। यह युद्ध ऐसा था जो जेपी नारायण द्वारा भूमिगत होकर चलाया गया था। आप जानते हैं कि जेपी नारायण जो थे ये पहले अरेस्ट हो गए थे, 40वें अरेस्ट हो गए थे। ये अरेस्ट क्यों हुए थे कि राजद्रोह में भाषण दे रहे थे, राजद्रोहात्मक भाषण दिया गया। 42 के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे, साथ में राम मनोहर लोहिया और 5 लोग और भी थे। और उसके बाद भूमिगत आंदोलन चला। अगर आप भूमिगत आंदोलन के जयप्रकाश नारायण को पढ़ें तो उसमें वो पत्र लिखते थे कभी जनता के नाम, कभी विद्यार्थियों के नाम, कभी क्रांतिकारियों के नाम। और वो कहते थे आंदोलन हिंसात्मक तरीके से नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए, ऐसा उन पत्रों में वो लिखते थे। यानी केवल अहिंसा के द्वारा हम संभव नहीं ऊपर तक पाएंगे, ऐसा उनका मत था। आप उसे शायद ध्यान ना हो कि उस समय गवर्नमेंट एक सीक्रेट एक सेंट्रल डायरेक्टरेट बनी थी जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे था, श्रीमती सुचेता कृपलानी उसकी हेड थी। ये सब सीक्रेट काम करते थे, गुप्त तरीके से कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए कोशिश करते थे। हम में शायद बहुतों को पता नहीं कि उसमें बम भी बनाए गए थे और बॉम्बे में एक बम का विस्फोट भी हुआ था। यानी ये आंदोलन और तरह का आंदोलन था। गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया लेकिन नेतृत्व तो किसी और के हाथ में था। यानी गांधी जी की कोई पूछ उस समय नहीं थी, ऐसा मैं कहूँ तो कोई गलती नहीं होगी। एक दूसरी बात, एक तीसरी बात मैं कहूंगा कि इस आंदोलन से गांधी जी का नेतृत्व खत्म हो गया, पॉलिटिकली वो अब लोगों को छीण हो गया उनका नेतृत्व लेता। जब 6 मई को छुप कर आए 1944 को जेल में से और देखा भारत का वातावरण तो कहते मुझे तो वातावरण बदला बदला सा निकल रहा था, कहते मेरे को कोई सुनता ही नहीं है। ये उनके वक्त है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरे कोई सुनता नहीं, मैं तो पुजावा कारतूस बन गया हूँ, ऐसा उन्होंने दिया। पट्टा भी सीता रमैया ने, जिसने हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस लिखी वॉल्यूम 2 में, इनका बहुत डिटेल में वर्णन दिया है। गांधी लिखता था कि शायद मैं वायसराय से बात करूंगा और मामला कुछ लेगा तो वायसराय मिलने से मना कर, और गांधी जी आउट ऑफ डेट हो गए। यानी आप 44 से लेकर 47 तक के मूवमेंट्स को सारे देखें तो ये सारा का सारा नेहरू गुट के हाथ में आ गया। और मैंने पढ़ा 1945 के पत्रव्यवहार जो नेहरू और गांधी के बीच में हुए, किसी गाली गलौज से कम नहीं हो पत्रव्यवहार जो आप पढ़िए देखिए। उसे गांधी कहते हैं तुम मेरा हिंदी स्वराज्य पढ़ो, क्या नहीं तो आउट ऑफ डेट हो गया, क्या पढ़ूंगा तुम्हारा हिंदी स्वराज्य। वो कहते हैं ग्रामीण राज्य चाहिए,
एक कॉन्स्टिट्यूशन पर चाहिए, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। गांव वो कहते थे गांव के अंदर इतिहास होना चाहिए कि क्या रखा है सड़ी गलियों में जो गांव के अंदर होती है, जो बीचों बीच बहती है और गंदगी चारों तरफ फैलाती है। मैं आपके पास सुनने वाला नहीं। गांधी जी ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम में से बहुतों को पता भी नहीं होगा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके मरने के बाद हरिजन एक हफ्ते बाद प्रकाशित हुआ था कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। गांधी ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर दो, लेकिन अब कोई भी सुनने वाला नहीं। अब सबको गद्दी दिखाई दे रही थी, सब राजसत्ता की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे थे। तो मैं ये कहूं कि जो आंदोलन था 44 के बाद गांधी जी के नेतृत्व से निकल गया और लोगों के हाथ में आ गया। लेकिन ये सत्य है कि इसी आंदोलन के बीच में जो जयप्रकाश नारायण ने काम किया, श्रीमती सुचेता कृपलानी ने काम किया, वो अद्वितीय था। शायद श्रीमती सुचेता कृपलानी का इतना वर्णन हम लोग नहीं किया है, पता नहीं क्यों उन्हें छोड़ दिया है उसे। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह का आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन में एक लिखा है डॉक्टर मकशान ने थीसिस लिखी है रिवोल्ट ऑफ 1942, रिवोल्ट नाम दिया लेकिन रिवोल्ट पॉजिटिव सेंस में लिया। उसमें कहा कि जो आंदोलन था ये विद्यार्थियों का आंदोलन था, ये किसानों का आंदोलन था, ये मध्यम वर्ग का आंदोलन था, बाकी का इसमें कोई हाथ नहीं था। और ये बात सही है, जन जागरण में विद्यार्थी पहली बार घर से निकला था और उसके कारण देश में हलचल पैदा हुई थी। भारत का कोई हिस्सा नहीं था जहां हलचल पैदा न हुई हो। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि आंदोलन तो फेल हो गया, कोई सफलता नहीं हुई। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, लॉर्ड हिटली का लेटर है। इस लेटर में दिया है, पूछा लॉर्ड हिटली से कि जब आप 46 के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने की बात कर रहे थे तो क्या 42 के आंदोलन का कोई प्रभाव था? जरा भी नहीं। लॉर्ड हिटली कह रहा है जरा भी नहीं। प्रभाव किसका था? आईएनए बगावत होगी जो 1946 में 19 फरवरी को हुई थी। इसी तरह एयर जो बेस थे उसमें बगावत हो गई थी, सेना में विरोध बढ़ गया था, सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसे एक तरह का वातावरण बन गया, ये नाम दिया उसे। इस कारण हमने 1946 में तय किया कि हम भारत छोड़े और वो कैबिनेट मिशन में जाता। तो भारत के अंदर गांधी जी ने कैबिनेट मिशन के अंदर रोज माउंटबेटन के साथ कोई बातचीत है, उनको तो एक तरह सेकेंडरी वेस्ट मानकर चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा आप जब डिटेल्स में देखेंगे तो ये चीज आप देखेंगे। लेकिन अंत में ये कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन के बहुत दूरगामी परिणाम, ये ऐसा आंदोलन था जो आजादी का दरवाजा खड़खड़ा नहीं रहा था बल्कि दरवाजे खोल दिए थे। आपने देखा होगा अमेरिकन इंडिपेंडेंस के टाइम में कि एक तीन बच्चे, एक बच्चा है बड़ा है और उससे बड़ा है, तीनों ढोल बजा रहे, क्रांति का संदेश भेज रहे हैं। ये पहला आंदोलन था जब स्कूल के बच्चे, जब कॉलेज के तरुण और बूढ़े लोग सब आंदोलन में लगे थे। इससे पहले किसी आंदोलन के अंदर केवल अधेड़ लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, लेकिन इतने नवयुवक पहली बार दिखाई देते थे। ये आंदोलन मैंने कहा जेपी का आंदोलन था। ये आंदोलन वो था जो स्वतंत्रता के लिए था। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांस की क्रांति से कहा कि फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, ऐसा एक बार का आंदोलन था। तो मैं ये कहूंगा इस आंदोलन ने और स्वतंत्रता का द्वार खोल दिया। मैं कहूंगा डॉक्टर नेहरू जी कहते थे जब वो जेल से शूट कराए कि आपको कैसा लग रहा है, कहता ये जो अनुभव था मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था जो मैंने 42 के आंदोलन में लिया। सरदार पटेल से पूछा आपका क्या अनुभव है कि जब तक ब्रिटिश राज्य बना है ये जो 3 साल गुजरे 42 से 44 तक, ऐसा कड़ा विरोध ब्रिटिश तो कभी सहना नहीं पड़ा जो 3 साल के अंदर सहना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि आपको कैसा लगा, कहने लगे कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि जन समाज के अंदर हिम्मत उत्साह दिखाई देता है। यानी ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये तो जन समाज जन समुदाय का आंदोलन था और यही इसकी सफलता थी, यही इसकी विशेषता थी। आंदोलन फेल लेकिन इतना प्रभावी इसका कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा यह अगस्त रेवोल्यूशन था, किसी ने कहा स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन था, किसी ने कहा 42 की क्रांति थी, किसी ने कहा कांग्रेस स्ट्रगल था, किसी ने कहा ऐसे बहुत सारे ऐसे दर्जन करीब ऐसे नाम
उस आंदोलन के बारे में दिए जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन यही कहना है कि देश की युवा शक्ति उस आंदोलन को गंभीरता से ले। मैं एक बात कहते बात खत्म कर रहा हूं। मैं देश के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हम कहते हैं कि हमारा अतीत बहुत बढ़िया था, मैं कहता हूं तब तो आप नहीं थे। हमारे युवक कहते हैं हमारा भविष्य बहुत अतीत होगा, तब भी आप नहीं होंगे। अब आप हैं तो देश की क्रांति लाइए, कुछ परिवर्तन लाइए, इतिहास में परिवर्तन लाइए, मानसिक सोच में बदल लाइए। कर सकते हैं आप, क्योंकि विश्व का तरुणाई इस देश के अंदर सर्वाधिक है। अगर आप इंतजार करते रहे तो 10 साल बाद आप भी उस कैटेगरी से निकल जाएंगे। तो देश के युवकों खड़ा होइए और समय की हलचल को पहचानिए। जिन्होंने हमें आजादी दी उसको पूरी तरह से और अच्छे ढंग से सजाने की बात कही। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।